Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter pair of linear equations in two variable exercise 3.5 question 4 part 3 को यहाँ पे हम solve करेंगे. इसके part 1, 2 को हम already solve कर चुके हैं. आप previous videos को watch कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. So your question is from the pair of linear equations in the following problem and find their solution if they exist by any algebraic method. ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसे आप किसी भी algebraic method से सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें नहीं कहा गया है. आपको जो भी इजी लगता है आप उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे यश ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं. ठीक है. और उसकी कंडीशन है कि राइट आंसर पर 3 मार्क्स मिलते हैं एंड रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स को लूज कर देता है. ठीक है. सो हैड 4 मार्क्स बीन आंसर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. यहाँ पे सेकंड कंडीशन है कि अभी अगर वो सही आंसर कर रहा है तो उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं एंड रॉन्ग आंसर पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं. ठीक है. फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन ये शुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. यहाँ पर उसने 50 मार्क स्कोर किए हैं. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो हमें बताना है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे. बहुत सिंपल है. टोटल क्वेश्चन हमें यहाँ पे फाइंड करना है. राइट. टोटल क्वेश्चन हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो ये आपका राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर. ठीक है. यही तो होंगे. दोनों का सम करेंगे तभी आपके पास टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे. तो हम लेट कर लेंगे ये जो राइट आंसर है वो एक्स और जो रॉन्ग आंसर है वो आपका वाई होगा. तो दोनों का सम आपके टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो हम इन्हीं को सबसे पहले लेट करेंगे. ठीक है. तो चलिए लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ राइट आंसर डन बाय यश. ठीक है. ये हम एक्स ले लेते हैं. नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर आंसर्स डन बाय यश इसे हम y लेट कर लेते हैं. ठीक है. हमने दोनों को लेट कर लिया है. अभी हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको मेक कर लेंगे पहले इक्वेशंस. ओके. सो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं. ठीक है. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. तो यानी यहाँ पे हमने देखिए राइट आंसर क्या लेट किया है x. ठीक है. जितने भी क्वेश्चन है वो x और ईच आपके ईच क्वेश्चन के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3. सो दिस इज योर फर्स्ट 3 इंटू एक्स एंड लोस कितना कर रहा है वो लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो लूज कर रहा है यानी कि टोटल जितने मार्क्स उसको मिलेंगे उससे हम उसके रॉन्ग आंसर को माइनस कर देंगे. ठीक है. तो यहां पे 1 यानी कि 1 मार्क्स इसको लूज हो रहा है रॉन्ग आंसर पे. रॉन्ग आंसर हमने यहां पे क्या लेट किया वाई. सो दिस इज योर वाई इक्वल्स टू टोटल स्कोर किया इसने 40. ओके. सो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अनदर आपकी यहाँ पे कंडीशन है हैड 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अभी 4 मार्क्स उसको मिल रहे हैं. राइट. तो 4 इंटू ये जो राइट आंसर है दिस हमने इसे एक्स लेट किया है एंड डिडक्टेड 2 मार्क्स डिडक्टेड. ठीक है. 2 मार्क्स अभी डिडक्ट किए जा रहे हैं रॉन्ग. तो माइनस करेंगे 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना टोटल है आपका 50 स्कोर किया है यहाँ पे. ओके. सो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी. हमने यहाँ पे इक्वेशंस बना ली हैं. ठीक है. तो अभी देखिए यहाँ पे y का कोफिशियन 1 है यहाँ पे y का कोफिशियन 2 है. हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे बट उससे पहले इस y के कोफिशियन को इसके इक्वल हमें करना है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
वन, क्या करेंगे हम, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सो ये टू इन ब्रैकेट 3x - y इक्वल्स टू 2 × 40, क्योंकि बोथ साइड पे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6x - 2y इक्वल्स टू 2 × 4 = 8, यानी कि 80 हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ आपकी इक्वेशंस बन गई है, सो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व कर लीजिए, 2 आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए 4x - 2y इक्वल्स टू 50 एंड अनदर 6x - 2y इक्वल्स टू 80, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, हमने कहा था हम y को क्या कर देंगे, एलिमिनेट, बट दोनों ही पॉजिटिव हैं, सॉरी नेगेटिव हैं, तो अभी हमें क्या करना है, एक इक्वेशन का साइन चेंज करना है, तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, वन टाइम इसे मैं और राइट कर देता हूँ, 4x - 2y इक्वल्स टू 50, ये हो जाएगा -6x + 2y इक्वल्स टू -80, ठीक है। अभी एलिमिनेट देखिए, आपका वाई एलिमिनेट हो गया, 4x - 6x तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 2x आपके पास बचेगा इक्वल्स टू में, यहाँ पे -80 है और 50 सब्सट्रैक्ट होने पे 30 बचेगा, साइन हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा -30 / -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 = 2 and 2 5 = 10, सो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ गई है दैट इज 15, x की वैल्यू आपने यहाँ पे अभी क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 है आपकी 3 × x की वैल्यू 15 - y इक्वल्स टू 40, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15 3 = 45 - y इक्वल्स टू 40, 45 को हम अदर साइड पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये -y इक्वल्स टू 40, यहाँ पे 45 प्लस है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो -y इक्वल्स टू यहाँ पे -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास है 5, हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हमें हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर, ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट आर, हमने कैलकुलेट किया था x प्लस y, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है 15 प्लस y की वैल्यू है आपके पास 5, सो दिस इज टोटल 20, यहाँ पे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 पार्ट 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।